नमस्कार किसान साथियों, मैं महेश कुमार उपाध्याय ग्राम मोहनवा पोस्ट हरदोइया डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से बोल रहे हैं। किसान साथियों, परवल की खेती ऐसी करनी चाहिए, देखिए इसमें खड़ी झालर लग रही है, देखिए ये खड़ी झालर, टोटल खड़ी झालर है। खड़ी झालर पर पहले पौधा जो है ऐसे लपेट करके पूरा झालर पहुँचा देना चाहिए ऊपर तक, उसके बाद जब पूरा हो जाए तब बेंड झालर लगानी चाहिए। इसमें देखो फल कितना बढ़िया आ रहा है, ये देखिए हर गांठ पर हर कल्ले पर फल आ रहा है। खड़ी झालर बहुत बेहतरीन झालर होती है, देखिए ये देखिए हर हर लाइन में हर पौधे पर हर कल्ले पर फल आ रहा है। देखिए नामधारी का सरोवर है, ये देखिए देखिए हर गांठ पर फल आ रहा है, ये देखिए झालर इसमें लग रही है, खड़ी झालर लग रही है। अब इसके बाद खड़ी झालर जब पूर हो जाएगी तब बेंड झालर लगेगी इस पर, देखिए नामधारी का परवल है, एक नंबर का परवल, हर गांठ पर हर कल्ले पर फल है। किसान साथियों, ये देखिए खड़ी झालर ऐसे लगाना चाहिए, देखिए डबल तार बांध करके बीच में सुतरी हो या डोरी हो कुछ भी हो लटका करके कल्ले को ऊपर चढ़ा देना चाहिए। ये देखिए फल, देखिए कितना बेहतरीन फल आया है, खड़ी झालर एक नंबर की झालर होती है। उसके बाद जब हो जाए सही हो जाए तब बेंड झालर लगानी चाहिए, ये देखिए ये देखिए फल लगा है, ये देखिए किसान साथियों झालर ऐसी बनानी चाहिए पहले शुरू में, ये देख रहे हो इतना इस पर चढ़ जाता है, और इस पर चढ़ने के बाद ये देखो तना, ये इस पर चढ़ाइए पहले, उसके बाद जब तना बढ़ जाए तो बेंड झालर लगानी चाहिए, पहले खड़ी झालर लगानी चाहिए। खड़ी झालर तो देख रहे हैं परवल है, ये देखिए कितना फल आ रहा है, हर गांठ पर हर कल्ले पर फल आ रहा है, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितना फल लग रहा है। किसान साथियों ऐसे ही झालर लगानी चाहिए, टोटल देखिए इसी तरह से झालर लग रही है, पहले खड़ी झालर लगाइए, देखिए कैसे फल लग रहा है, ये हर कल्ले पर हर गांठ पर फल है। पहले झालर ऐसे लगाइए, उसके बाद फिर जब पौधा बढ़ जाए तब बेंड झालर कर दीजिए, ये देखिए फल, देखिए हर हर गांठ पर हर पौधे पर हर फल है इसमें, देखिए ये देखिए फल, ये रहा फल, देखिए ये रहा फल, कितना बेहतरीन फल है। किसान साथियों नामधारी का है, ये देखिए पूरे के पूरे पौधों पूरे के पूरे थाले पर फल लगा है, ये देखिए।